गो सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छी बात है। गुवाहाटी गाय के नाम पर ही तो गुवाहाटी शहर का नाम पड़ा है। गुवाहाटी का अर्थ ही होता है गोवंश जहाँ सुरक्षित रहे, उसी का नाम गुवाहाटी। बहुत ऊंची बात है, शासन तक ने अच्छा कदम उठाया है। गोवंश पृथ्वी का धारक तत्व है, सात धारक हैं। गोविर विप्रैश वेदैश्च सत्य भी सत्यवादी भी अलुधर दानशीलैश्च सत्यभिर धार्यते मही। स्कंद पुराण में माहेश्वर कुमारिका खंड और काशी खंड में दूसरे अध्याय में दो बार यह श्लोक आया है, गोवंश पृथ्वी का धारक है। गोवंश की रक्षा से विश्व की रक्षा होती है। जब धरती को पृथ्वी को कोई कष्ट प्राप्त होता है तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास अपने कष्ट को निवेदित करने के लिए पहुंचती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का आदिदैविक स्वरूप ही गो है। गोवंश की रक्षा पृथ्वी की गो सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छी बात है। गुवाहाटी गाय के नाम पर ही तो गुवाहाटी शहर का नाम पड़ा है। गुवाहाटी का अर्थ ही होता है गोवंश जहाँ सुरक्षित रहे, उसी का नाम गुवाहाटी। बहुत ऊंची बात है, शासन तक ने अच्छा कदम उठाया है। गोवंश पृथ्वी का धारक तत्व है, सात धारक हैं। गोविर विप्रैश वेदैश्च सत्य भी सत्यवादी भी अलुधर दानशीलैश्च सत्यभिर धार्यते मही। स्कंद पुराण में माहेश्वर कुमारिका खंड और काशी खंड में दूसरे अध्याय में दो बार यह श्लोक आया है, गोवंश पृथ्वी का धारक है। गोवंश की रक्षा से विश्व की रक्षा होती है। जब धरती को पृथ्वी को कोई कष्ट प्राप्त होता है तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास अपने कष्ट को निवेदित करने के लिए पहुंचती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का आदिदैविक स्वरूप ही गो है। गोवंश की रक्षा पृथ्वी की रक्षा है, प्राणियों की रक्षा है।